साहस सरोकार। एमसीडी चुनाव प्रचार में लाव लश्कर के साथ उतरेगी बीजेपी। नड्डा और राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज 14 रोड शो। जमानत याचिकाओं से भर गई है अदालतें। सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताया बेल देने में आखिर क्यों झिझकते हैं निचली अदालतों के जज। डोनाल्ड ट्रंप पर मेहरबान हुए एलन मस्क। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट किया बहाल। श्रद्धा मर्डर केस में आज आफताब का नार्को टेस्ट। पुलिस ने तैयार की 40 सवालों की लिस्ट। श्रद्धा के सिर की तलाश अब भी जारी। स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास। सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने। श्रीवास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अब निकाय चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां उनके मजबूत कार्यकर्ता हैं उन्हें लड़ाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल और अखिलेश के साथ आने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वह अलग थे ही कहां जब से सपा बनी है सब साथ ही हैं। इसके साथ ही कहा कि रही बात भाजपा को नुकसान पहुंचाने की तो एनडीए लगातार बढ़त ले रही है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह को संबोधित भी किया है। डैमेज नहीं है, डैमेज तो उनके जो भेदभाव वाली सरकारें हैं जिनके पास भेदभाव वाली नीतियाँ हैं सपा बसपा कांग्रेस, तो जिनके साथ उन्होंने शोषण किया न्याय किया वो लोग सारे लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। इसलिए हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के हम लोग सभी योजनाओं को हर बिरादरी में दे रहे हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हमारे हो रही है, एनडीए की जीत निषाद पार्टी की। मंत्री जी, शहाबुद्दीन ने शिवपाल यादव को नसीहत दी है कि वो इतिहास न भूले कि उनके साथ क्या हुआ। देखो राजनेता है तो मुद्दा है नहीं, उनका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि किसी को लड़ा के नहीं, राजनीति में जनता का सरकार जनता के द्वारा जनता के हितों की रक्षा के लिए पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी है उनके कार्यकर्ताओं के सम्मान। रायबरेली में सदर कोतवाली क्षेत्र में एक घर में घुसकर बुजुर्ग रिटायर्ड आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कुछ नमूने लिए। वहीं पुलिस ने घर के आसपास का पूरा क्षेत्र सीज कर दिया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव दुमेहरा में एक युवती को गांव के ही एक युवक ने तमंचे के बल पर बुरी नीयत से पकड़ लिया। युवती के विरोध करने पर युवक ने तमंचे की बट मारकर युवती को लहूलुहान कर दिया। वहीं युवती के शोर करने पर युवक मौके से भाग गया। इसी दौरान परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम शब्बीर है सर। कहाँ के रहने वाले हो? दुमेहरा का रहने वाला हूँ। कौन सा थाना लगता है? थाना अग्रवाल लगता है सर। क्या मामला है? ये लड़की की चोट कैसे है? क्या सर मामला ये है कि मेरी बेटी गांव से बाहर एक मेरी मढ़िया पड़ी हुई है, वहाँ बकरी बंध रही थी, तो बकरी ने लेने के लिए गई मेरी बेटी, तो वहाँ चोरी छिपे सीटू नाम का लड़का जो कि उसका बाप अखिलेश है, उसने इसको पकड़ने की कोशिश की, तो मेरी बेटी ने हाथापाई की तो उसने तमंचा मार दिया और वहाँ से फरार हो गया सर। अच्छा, ये तो मामला है सर। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी तुमने? हाँ सर, मैं थाने आया हूँ। संभल में ग्राम पंचायत ततारपुर संदल के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए एक वीडियो वायरल की, जिसमें ग्रामीण प्रधान
के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव में विकास नहीं हुआ है, बरसात में पानी भर जाता है, इसलिए ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रधान के खिलाफ गांव के लोगों ने आवाज उठाई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 3 बदमाश और पुलिस कर्मियों के बीच फायरिंग हुई। वहीं पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं दूसरे बदमाश को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी थोड़े देर पहले गाजियाबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में, बैरियर डाल के चेकिंग हो रही थी, तभी सामने से दो मोटरसाइकिलों पे सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उनको चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने मौजूद पुलिस पार्टी पे फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक व्यक्ति लड़खड़ा के गिरता है अपाचे बाइक लेके, जब उसको पुलिस दौड़ाती है तो दूसरा व्यक्ति पुलिस पार्टी पे फायर करते हुए भागने लगता है। एक्सचेंज ऑफ फायर में उस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पैर में गोली लगती है और पहला व्यक्ति जो अपाचे चला रहा होता है अपाचे के साथ गिरा मिलता है। जब पुलिस मौके पर जाती है तो इन दोनों व्यक्तियों की पहचान जो गोली लगा बदमाश है उसकी शमशेर के रूप में होती है, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, वर्तमान में कौशाम्बी थाना क्षेत्र में रह रहा था। हरदोई में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें, तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर फरियाद लेकर पहुंचे एक फरियादी को पुलिस जबरन पीटते हुए थाने में ले गई और घंटों थाने में बैठाया रखा। वहीं पीड़ित का आरोप है कि शिकायती पत्र देने के बाद एसडीएम ने शिकायती पत्र एआरओ को देकर पूरे मामले में जानकारी चाही, जिसके बाद एआरओ ने गोपनीय बात करनी चाही, जिसका उसने विरोध किया तो एसडीएम ने उसे बाहर करने का आदेश दे दिया। हमारे यहाँ पूर्व में कोटेदार द्वारा की गई गड़बड़ी के संबंध में, जिसमें 29 तारीख लगी है, यही इसी महीने नवंबर में 29 तारीख लगी, उन्होंने 7-6 एसडीएम साहब के पास गए थे प्रार्थना पत्र लेकर, जिन्होंने यारो साहब को दे दिया। अब यारो साहब ने गोपनीय बात करनी चाही तो हमने कहा ये श्रीमान जी जाँच आख्या तो लगी हुई है, इसमें अब जाँच करने की क्या जरूरत है, वर्ष 2009 का प्रकरण है, 15 में जाँच आख्या आ गई थी तो उस पर कार्यवाही करने के लिए मांग की, प्रार्थना पत्र दिया। इसी में एसडीएम साहब ने कहा इनको बाहर निकालो, दो होमगार्ड आए और मारपीट शुरू कर दी और घसीटते हुए बाहर लाए, जिसमें चप्पल टूट गई, कुछ कागज भी छूट गए। कासगंज में थाना सिकंदरपुर वैश्य ग्राम म्याऊ में देर शाम एक कपड़ा कारोबारी का शव आम के पेड़ पर लटकता मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कपड़ा कारोबारी का एक साथी लापता है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गोंडा में नगर कोतवाली के पास चोरों ने पुलिस के नाक नीचे चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस इस घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।